हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर अटेच पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कृषि विभाग में निकली हुई बंपर बहाली के बारे में। तो दोस्तों, कृषि विभाग में बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट पे बहाली निकली हुई है, जिसमें प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का बहाली निकला हुआ है, उसके बाद से सहायक तकनीकी प्रबंधक, उसके बाद से लेखपाल का बहाली निकला हुआ है, उसके बाद से अंशुलिपिक का बहाली निकला हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को इसी के बारे में जानकारी देंगे कि आप सभी इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, प्लस में इसमें क्या क्या योग्यता मांगा जा रहा है, इसका लास्ट डेट कब तक का है, इसमें क्या सैलरी मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आपको इस वीडियो का लाभ ले सके। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है, आपको यहाँ पे बामेती टाइप करना है, BAMETI बामेती। यहाँ पे देख सकते हैं आप www.bameti.org.in यहाँ पे टाइप कर लेना है। आप यहाँ पे बामेती जैसे ही टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा, इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो है इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया BAMETI। आपको BAMETI टाइप कर लेना है तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल जो है, बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का पोर्टल जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक नोटिफिकेशन फ्लैश किया जा रहा है, आप यहां पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पे सबसे नीचे आइएगा तो आप यहां पे नोटिस में भी देख सकते हैं, यहां पे जो है ऑनलाइन अप्लाई एंड गाइडलाइन फॉर BTM या ATM या अकाउंटेंट एंड स्टेनोग्राफर, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। इसका पोस्ट दोस्तों 7 मार्च 2023 को किया गया है और ये जो वैकेंसी है यहाँ पे BTM और ATM और अकाउंटेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए निकली हुई है। तो हम आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक आपको गाइडलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको गाइडलाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको गाइडलाइन देखना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कृषि विभाग बिहार पटना का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। बिहार कृषि प्रबंधक एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती बिहार पटना, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अधीन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत जिला या प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु नियमावली यहां पे निकाली गई है। अब यहां पे इसका परिचय आप देखना चाहते हो तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद से आवेदन पत्र का आमंत्रण यहां पे किया गया है। यहां पे आप सभी देख सकते हैं जिला प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना एवं आत्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य योजना मद से विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। संबंधित पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, अधिकतम उम्र सीमा एवं नियत मासिक मानदेय का विवरण निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का जो है 288 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है कृषि या उद्यान अभियंत्रण या वानिकी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान में आप अगर स्नातक की डिग्री पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कृषि या पशु चिकित्सा या पशु विज्ञान में आपको स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका सैलरी जो है 30,000 रुपए के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद से कार्य अनुभव यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में आपके पास कार्य अनुभव 2 सालों का होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे सहायक तकनीकी प्रबंधक का 587 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे भी कृषि या पशु चिकित्सा या पशु विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। इसका सैलरी दोस्तों 25,000 रुपए के रूप में प्राप्त होगा और इसमें आपको किसी भी प्रकार का अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप सहायक तकनीकी प्रबंधक में अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो डिग्री है कृषि या पशु विज्ञान में आपका स्नातक की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे लेखपाल का देख सकते हैं 160 वैकेंसी है। यहाँ पे BCOM पास अगर आप हैं तो आप लेखपाल के लिए 160 पदों की वैकेंसी पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए लेखपाल के लिए। उसके बाद इसमें जो सैलरी मिलेगा 22,500 रुपए से स्टार्टिंग होगा।
उसके बाद से अंशुलिपि के लिए आप सब यहाँ पे देख सकते हैं 6 पद है और इसका जो है स्नातक एवं अंशुलिपि का प्रमाण पत्र था, कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो अंशुलिपि के लिए यहाँ पे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे यहाँ पे 6 पदों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है और उसके बाद से स्नातक एवं अंशुलिपि का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसमें जो है न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है प्लस में 22,500 रुपए इसमें सैलरी आपको प्राप्त होगा। उसके बाद से संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उसके बाद से कंडिका संख्या 1 में अंकित आवेदक पद के अनुसार सभी अर्हता को पूरा करता हो। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया जो है आपको ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। आप यहाँ पे 2 वेबसाइटों के माध्यम से आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले www.bameti.org पे आप क्लिक करके यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप स्टेट बिहार गवर्नमेंट जो कृषि विभाग का पोर्टल है यहाँ पे भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों पोर्टल से किसी भी पोर्टल के माध्यम से आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल 2023 के 5 बजे अपराहन तक सबमिट किया जा सकता है। आपका जो फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2023 से 5 बजे से पहले आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिले में 1 से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करना 15 अप्रैल 2023 के 5 बजे अपराह्न से पूर्व आपको कर देना है। उसके बाद से ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का प्रकाशन जो है 18 अप्रैल 2023 को कर दिया जाएगा। उसके बाद से आवेदक अपनी आपत्ति डीबीटी कोषांग कृषि विभाग को भेज सकते हैं और 22 से 23 अप्रैल तक आप को अगर किसी भी प्रकार का आपत्ति है तो आप भेज सकते हैं यहाँ पे कृषि विभाग के पोर्टल पे। उसके बाद से आप सब यहाँ पे देख सकते हैं आपत्तियों के निराकरण के पश्चात फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का प्रकाशन 29 अप्रैल 2023 को फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों का डाउनलोड करना 2 से 5 मई के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे सभी के काउंसलिंग, साक्षात्कार, दक्षता जांच, अभ्यर्थियों काउंसलिंग के लिए पदवार कोटिवार रिक्त संख्या का 5 गुना बुलाया जाएगा। यहाँ पे काउंसलिंग होगा, उसके बाद से साक्षात्कार होगा, उसके बाद से दक्षता जांच की जाएगी। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जो डेट है वो जारी कर दिया गया है, प्रखंड तकनीकी सहायक काउंसलिंग जो है 8 से 9 मई 2023 को किया जाएगा जिला स्तर पे। उसके बाद सहायक तकनीकी प्रबंधक का काउंसलिंग जो है 15 से 18 मई तक किया जाएगा। लेखापाल अंशुलिपि के लिए 22 से 23 मई को किया जाएगा। अंशुलिपि सहलिपि का दक्षता जांच परीक्षा जो है 24 से 25 मई के बीच में किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जिला स्तरीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, आवेदन पत्रों एवं सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना, पदवार कोटिवार अभ्यर्थियों का प्रारूप मेगा सूची तैयार करना तथा जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित करना, ड्राफ्ट मेगा चयन सूची के प्रकाशन के 1 सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों का चयन समिति के सदस्य सचिव के समक्ष दावा आपत्ति कर सकता है, अंतिम मेगा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के कागजातों आदि के सत्यापन हेतु काउंसलिंग आयोजित कराना। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देना है, प्लस में किसी भी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं करना है, फी पेमेंट नहीं करना है, आपको फ्री में फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर देना है। उसके बाद से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। अब आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कुल 100 अंगों का मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार किया जाएगा। उसमें शैक्षणिक योग्यता पर आधारित 80 अंक, जिसमें मैट्रिक के कुल प्रतिशत प्लस इंटरमीडिएट के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत प्लस स्नातक के कुल प्राप्तांक का प्रतिशत जो है जोड़कर यहाँ पे एक मेगा सूची आपका तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद से आपका जो मेगा सूची तैयार हो जाएगा तो आपको काउंसलिंग किया जाएगा और उसके बाद से आपको साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद से दक्षता परीक्षा आपका लिया जाएगा। उसके बाद से फाइनल मेगा सूची जो है तैयार कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन हम कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बैंक जाना है और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो लिंक है इस पे आपको लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन आईडी पे जो दिख रहा है इस पे लॉग इन कर लेना होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई पे आपको क्लिक कर लेना होगा। आप यहाँ पे जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे 3 तरीकों से कर सकते हैं, ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से और आईआरआईएस के वर्किंग के माध्यम से। यहाँ पे 3 तरीकों से आधार ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपके मोबाइल पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा और उस पासवर्ड को
आप डाल के अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें।